हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एबी जडेजा। गाइस, आज मैं आपको किसान खेती के बारे में वीडियो बनाने वाला हूं, स्पेशल व्लॉग आज का। तो अगर आप किसान हैं, आप मानसून वर्षा पर डिपेंड करते हैं, आपकी खेती बरसात के इस अगस्त सितम्बर या अक्टूबर के महीने में आपकी फसल होती है, तो आज हम आपको स्पेशली बताएँगे कि फसल में अगर कीटनाशक छिड़कना हो तो कीटनाशक का छिड़काव कैसे करें, यूरिया आदि का। तो आज हम स्पेशली आज का व्लॉग हमने डेडिकेटेड है एग्रीकल्चर के लिए। तो जितने भी किसान भाई हैं, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे और किसान भाइयों के लिए काम आ सके वीडियो। तो चलिए, बिना देरी की आज मैं आपको मूँग की जो फसल होती है उसके ऊपर, अगर मूँग की फसल में फली नहीं लगती है तो उसके ऊपर किस प्रकार की दवाई का प्रयोग करना चाहिए और कैसे करते हैं, वो सब डिटेल वीडियो में आपको बनाऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए ऐसे वीडियोज आपको प्राप्त हो। धन्यवाद। हमारे को जो ट्राइसेल दवाई है, ये जो अभी आप देख रहे हैं जिसको हम कप में ले रहे हैं, इसकी मात्रा 40 ml रखनी है प्रति 15 लीटर पर। यानी जो हमारे पास ये सफरिंग करने के लिए जो टंकी है ये 15 लीटर की है और इसमें हम अभी मिला रहे हैं 40 ml तक ट्राइसेल, जो पॉइजन आता है कीटनाशक दवाई, इसको हम डाल रहे हैं। इससे फसल में जितने भी रोग लगते हैं, फसल के अंदर जितने भी कीट होते हैं, अलग अलग कीड़े मकोड़े, वे सभी मर जाते हैं। इसका प्रयोग कर रहे हैं किसान भाई और बिल्कुल प्रमाणित प्रयोग है। और दूसरी दवाई है, उसका नाम है बायोवीटा, जिसकी हमें 30 ml की मात्रा लेनी है 15 लीटर में। ये देखिए, काले रंग की गाढ़ी दवाई है, सब तरल पदार्थ है दोनों। 30 ml तक हमको इसे भी उस डब्बे में भर देना है और उसके बाद इसको भी उसके साथ मिला देना है। अब हम इस बायोवीटा की दवाई को, जो 30 ml हमने डब्बे में भरी थी, उसको हम टैंक के अंदर डाल देते हैं जिसमें हमने पहले से ही ट्राइसेल की 40 ml की मात्रा डाल रखी है। तो देखिए, ये हमने 30 ml बायोवीटा को भी इसके साथ मिला दिया है और अब बारी है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पानी डालने की। अब हमें साफ जल लेना है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कचरा नहीं हो, क्योंकि ये कचरा हमारी मशीन के जो स्प्रे पंप है उसमें फंस सकता है। और 15 लीटर आंकड़े दिए हुए हैं डब्बे पर, 15 लीटर की मात्रा तक हमें इसमें पानी भरना है। तो आप समझ रहे होंगे कि 30 ml बायोवीटा और 40 ml ट्राइसेल को 15 लीटर पानी के साथ मिलाना है। और मिलाने के बाद आप देख रहे हैं डब्बे में जो ब्लैक और वाइट कलर की दोनों दवाई थी वो मिक्स हो रही है। और ये संगला किसान भाइया ने, राम राम। आप देख रहे हो अभय जडेजा व्लॉग्स चैनल। अच्छा, आपने बता रहे हैं आज कि किस प्रकार से मूँग की फसल पर जो कीड़े आते हैं, जो कीटनाशक आते हैं, और वे इस प्रकार जो छोटे छोटे कुकर होता है जिससे फली लगती है वो जल जाता है और इसको कीटनाशक पदार्थ खा जाते हैं, उसके बाद से इस फसल की स्थिति बेहद ही ख़राब हो जाती है। इसकी फली मुड़ने लगती है, सिकुड़ने लगती है। इसको फुलाने के लिए, ऐसी बनाने के लिए यूरिया खाद का प्रयोग किया जाता है या छिड़काव किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक बता रहे हैं कि किस प्रकार से किसान अपने खेत में मूंग की फसल पर या अन्य फसलों पर कीटनाशक पदार्थों का छिड़काव कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम खेत में किसान से बात करते हैं, किसान से पूछते हैं कि जो किसान इस दवाई का छिड़काव कर रहे हैं उनका क्या कहना है इस दवाई के बारे में। तो बताइए, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम बीरम सिंह है, सोडा जी। बिल्कुल, देखिए ये किसान है, इनका नाम बीरम सिंह है और ये अपने खेत में अभी फसल का छिड़काव दवाई का कर रहे हैं। तो हम इनसे पूछेंगे, आप कितने सालों से किसानी खेती कर रहे हैं? 4-5 कर रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए 4-5 सालों से ये किसान है, खेती कर रहे हैं और ये 4-5 सालों से ऐसी दवाई का प्रयोग करते हैं। इससे कीटनाशक वगैरह सब मर जाते हैं? सब मर जाते हैं और भी इसमें फल ज़्यादा लगते हैं और भी अनाज भी ज़्यादा होता है, इसमें बहुत फायदा होता है। अच्छा, इसमें अनाज ज़्यादा होता है, भैया बता रहे हैं किसान की, इससे अनाज ज़्यादा होता है। इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं है ज़मीन पर? जमीन इससे खराब नहीं होती? नहीं, खराब नहीं होती है। इसमें क्या फसल में मच्छर मरीज है वो सब मर जाता है। अच्छा, इसमें जो भी फसल पर कीट मकोड़े होते हैं, फसल को काटते हैं कीटनाशक, वो सभी मर जाते हैं। तो हम किसान से चलते चलते बात कर रहे हैं किसान के खेत में। और अच्छा, ये कितनी महंगी आती है दवाई? 1000 के अंदर अंदर ये? 500 के अंदर अंदर। अच्छा, 500 की दवाई है। और ये टंकी का कितना है? टंकी का ये 15 लीटर पानी अंदर है और 30-40 ml में
अच्छा इसको दवाई मिलाते हैं। टंकी कितने रुपए में आती है? 3000 में। 3000 रुपए की। अच्छा ये बिल्कुल टंकी आपको एक बार ही खरीदनी है, बार बार टंकी आपको नहीं लेनी है। और ये टंकी अगर आप सही से इसका यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्षों तक काम आएगी, 4-5 साल तक। जी बिल्कुल 4-5 साल तक चल सकती है। और इसका आप ये ग्वार बाजरी सब में इसका प्रयोग करते हैं? ये अलग अलग दवाई आती है उसमें प्रयोग करते हैं। अच्छा आप सभी फसलों में प्रयोग करते हैं, बाजरे में नहीं करते हैं? जी बिल्कुल। तो चलिए हमने किसान से बात की, किसान बता रहे हैं बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि ऐसी कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव से इनकी फसल में उत्पादन में वृद्धि हुई है।